जहां पूरे देश के लोग अपने अपने घरों में दीपावली का त्योहार मना रहे थे, वहीं 20 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रकृति की रक्षा के लिए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए विगत 15 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन स्थल पर ही दीपक जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया। कोल खदान के आवंटन के खिलाफ धरना प्रदर्शन की शुरुआत सूरजपुर जिले के ग्राम तारा में की गई। एसडीएम के अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए सरपंच द्वारा धरना स्थल बदलने के नोटिस दिए जाने के बाद आंदोलनकारी आदिवासी परिवार के लोगों का धरना प्रदर्शन सरगुजा जिले के परसाकोल ब्लॉक के प्रभावित ग्राम फतेहपुर में लगातार जारी है। सरगुजा संभाग में ग्रामीण अपनी जमीनों को कोल खदान के लिए नहीं देने का संकल्प लिए हुए हैं और उस पर अड़िग होने का हवाला दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आदिवासी व अन्य ग्रामीण उपस्थित होकर कोल खदान के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो किसी जनप्रतिनिधि, ना किसी जिम्मेदार अधिकारी और ना ही शासन के किसी नुमाइंदे ने इन आंदोलनकारियों की सुध ली है। 15 दिनों के शांतिपूर्ण धरना के दौरान आए दीपावली के त्योहार में प्रभावित गाँव के लोगों ने मिलकर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिए और एक साथ 100 दिए जलाए। इसमें पहला दीपक ग्राम देवी डिहारी दाई के नाम से संगठन की एकता के प्रतीक स्वरूप, दूसरा दीपक गांव के शिवरिहा देवता के नाम से जो कि गांव के रक्षा के प्रतीक है, तीसरा दीपक ठाकुर देवता के नाम से जो सत्य अहिंसा व न्याय के प्रति सजग व अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक के स्वरूप, और चौथा दीपक आधिशक्ति प्रकृति शक्ति बड़ा देव के नाम जल जंगल जमीन पर्यावरण के प्रतीकात्मक दिया जलाया गया, पांचवा दीपक गोरी गोरा के नाम जो प्रकृति के समस्त जीवों के रक्षा का प्रतीक है। धरना प्रदर्शन पर 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग शामिल हुए। कंपनियों को सौंप रहे हैं, ऐसे सरकार को हम विरोध करते हैं, ऐसे सरकार का बहिष्कार करना चाहिए और आने वाले समय में ऐसे सरकार को सत्ता से बाहर की रास्ता दिखानी होगी, क्योंकि हमारे संस्कृति और गांव और जल जंगल जमीन और पर्यावरण को आज समझने में मजबूर हैं। इसलिए नहीं समझना चाहते हैं क्योंकि ये अडानी की आप दलाल धो करके बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में आप कंपनी की दलालों के रूप में बैठ गए सरकार भूपेश बघेल जी, हमको दुख से कहना पड़ रहा है, आप वादा करके गए थे सत्ता में कि इस हरियाणा के क्षेत्र को बचाना है और बचाना है। राजहंस राजस्थानी भोजनालय शॉप नंबर 6T मार्केट पावर हाउस भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को धनतेरस शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजहंस राजस्थानी भोजनालय पर शुद्ध शाकाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ पर पार्सल एवं जोमेटो से भी पार्सल सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। प्रोफेसर हरीश जोशी महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों तथा जिले वासियों को एक बार फिर से राजहंस राजस्थानी भोजनालय की ओर से आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। पाल क्रियाना स्टोर शॉप नंबर 33G मार्केट पावर हाउस भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले की जनता को धनतेरस शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाल क्रियाना स्टोर पर क्रियाना सामानों के थोक एवं चिल्हर विक्रेता उपलब्ध है। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सोनी कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सोनी की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। बिहार मोटरसाइकिल वर्कर्स की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर सभी कंपनियों के टायर उपलब्ध हैं, साथ ही गारंटी के साथ चक्का थ्रू किया जाता है। आपकी अपनी 80 वर्ष पुरानी दुकान शॉप नंबर 28T मार्केट पावर हाउस भिलाई छत्तीसगढ़। प्रोफेसर विनोद व प्रमोद सोनी कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों को एक बार फिर से
प्रोफेसर विनोद व प्रमोद सोनी की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।